तो दोस्तों, अगर आप लोग रेडमी 5 के यूजर है, शाओमी रेडमी 5 के यूजर्स है, तो आप लोगों को एमआईवी 10 की ग्लोबल बीटा रोम पे, जिसका वर्जन था 8.11.8, उसमें दोस्तों हम लोग को एक अपडेट देखने को मिली थी कि हम लोग का जो रेडमी 5 की डिवाइस है उसमें एंड्रॉयड ओरियो की अपडेट आ चुकी है। और दोस्तों हम लोग की जो डिवाइस में है डुअल 4G का सपोर्ट है, इसमें एनेबल हो गया था। लेकिन दोस्तों उसके साथ ही साथ हम लोग के फ़ोन में जो है काफ़ी सारे बग्स देखने को मिली थी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि हम लोग उस बग्स को कैसे फिक्स करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो मेरी डिवाइस है रेडमी 5 है और मैं अभी नुगट वर्जन पे हूँ, और जो मेरा एम आई वाई जो वर्जन है दोस्तों, मैं अभी MIUI 9 ग्लोबल स्टेबल लोम पे हूँ, जिसका लेटेस्ट वर्जन 9.6.4। मैं आपको सिस्टम अपडेट में दिखा दूँ कि मुझे कोई भी स्टेबल लोम की अपडेट देखने को नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि जो इस बग्स होने के कारण दोस्तों शाओमी ने अपने सर्वर से इस अपडेट को रिमूव कर दिया था। तो मैं आपको अगर उनके सर्वर में जाकर दिखा दूँ उनके फॉरम। दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो रेडमी 5 ग्लोबल डिवाइस हम लोग यहाँ पर देखने को मिली, उसका जो लेटेस्ट वर्जन आप देख सकते हैं यहाँ पर 8.11.1 है। लेकिन दोस्तों हम लोग को जो अपडेट देखने को मिली थी, लेटेस्ट वाली जो अपडेट थी, वो 8.11.8 है। तो दोस्तों जो कैमरा में जो हम लोग को इशू देखने को मिल रही थी, उसकी वजह से दोस्तों हम लोग का फोन में जो है वो अपडेट को सस्पेंड कर। लेकिन दोस्तों आप लोगों का काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, काफ़ी रिक्वेस्ट आए कि आप लोग कैसे कैमरा को फिक्स करेंगे। जैसे हम लोग कैमरा को ओपन कर रहे थे, कैमरा दोस्तों क्रैश कर जा रहा था, और भी बहुत तरह के इशू देखने को मिल रही थी। जैसा कि आप दोस्तों अभी इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम लोग को अपने कैमरा में इस तरह से इशू देखने को मिल रही थी, और जब हम लोग कॉलिंग कर रहे थे दोस्तों, हम लोग कॉलिंग में भी इशू हो रही थी। तो दोस्तों मैं आज इस डिवाइस में उस MIUI 10 की ग्लोबल 8.11.8 वाली रोम को डाउनलोड करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास उसकी रोम है, रोम की डाउनलोड लिंक है। तो मैं इसे अपने फ़ोन में फ्लैश करूंगा, उसके बाद से दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम लोग इस वाले रोम से कैसे हम लोग पिछले वर्सन पर जाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा, और चैनल पर वीडियो को पहली बार देखें तो प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ अपने इस फ़ोन में, इसे मैं फ्लैश करूँगा। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि मैं रेडमी 5 यूज़ कर रहा हूँ, MIUI 9 पे हूँ। अब मैं दोस्तों अपने इस फ़ोन में इस रोम को फ्लैश करूँगा। तो मैं सेटिंग में आकर चूज अपडेट पैकेज करूँगा, और जहाँ भी मैंने उस फाइल को रखा है दोस्तों, मैं उस फाइल को चूज़ करके यहाँ से ओके कर दूँगा। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि ये अपडेट नहीं हो, क्योंकि सर्वर से सस्पेंड हो चुकी है। तो दोस्तों हम लोग अपने इस डिवाइस में रेडमी 5 में इस रोम को फ्लैश करेंगे। तो दोस्तों जो नॉर्मल मैटर हम लोग का होता है फ्लैश करने का, दोस्तों वो मेथड जो है काम नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियली ये जो रोम है उनके सर्वर पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं वीडियो को स्किप करता हूँ, तब तक मैं अपने फ़ोन में उस वाले रोम को फ्लैश करके फिर से वापस आता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मेरा रेडमी 5 है, मैं अपने फ़ोन को रेडमी 5 को MIUI 10 की ग्लोबल लेटेस्ट जो रोम थी 8.11.8 वाली, उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपडेट कर लिया है। और दोस्तों जैसा कि इसमें हम लोग को जो बग्स देखने को मिल रही थी, वो आप बग्स हम लोग को अभी भी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों मैंने सिर्फ फ्लैश किया है कि आप लोगों को मैं सोल्यूशन दे पाऊँ। तो एक बार मैं फिर से उस बग्स को दिखा दूँ कि जैसे हम लोग अपने कैमरा को ओपन करते हैं, दोस्तों जैसे कैमरा जो है क्रैश हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कैमरा जो है यहाँ पर स्टॉप हो गया, या फिर कैमरा क्रैश कर जा रही है। इस तरह की इशू हम लोग को देखने को मिल रही है अपने रेडमी 5 की डिवाइस में। जब से दोस्तों हम लोग को MIUI 10 की ग्लोबल बीटा रोम की अपडेट मिली थी 8.11.8, हालांकि दोस्तों इस वाले अपडेट में हम लोगों को काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिली है। तो अगर मैं अबाउट फोन में जाकर दिखा दूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को एंड्रॉइड ओरियो वाली फीचर हम लोग यहाँ पे देखने को मिल गई है रेडमी 5 की डिवाइस में। और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग डुअल 4G की सपोर्ट भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल गई। जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि रेडमी 5 की डिवाइस में डुअल 4G का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल गया है। तो इसके साथ ही साथ हम लोगों को अब ये वाली जो फीचर जो है कैमरा वाली, जो हम लोग इसमें बग देखने को मिल गई है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे हम लोग अपने इस बग्स को कैसे फिक्स करेंगे। तो इसे फिक्स करने के दोस्तों दो तरीका हम लोगों के पास है, या तो हम लोग पुराने वर्सन पे स्विच कर जाएं, या फिर कोई हम लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करें कैमरा के लिए। क्योंकि दोस्तों जब नेक्स्ट वीक आएगी हम लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसमें दोस्तों इस वाले कैमरा वाले बग को फिक्स कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने डिवाइस को डाउनग्रेड करना, उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ जो MIUI के बेस्ट जो MIUI बेस्ड कैमरा है, मैं उस वाले कैमरा को दोस्तों अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरा जो है हम लोग का फ़ोन में इंस्टॉल हो गया। मैं इसे ओपन करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी जो कैमरा भी है दोस्तों हम लोग का फ़ोन में काम नहीं कर रहा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं इसको क्लोज करके फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी जो कैमरा हम लोग का फ़ोन में काम नहीं कर रहा है।
जो MIUI के बेस्ट जो कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है, मैं आपको कोई ठट पता दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको अगर अपने नोटिफिकेशन शेड वाले सेक्शन में दिखा दूँ तो हम लोग को यहाँ पे एरर देखने को मिल रही है, कैमरा जो क्रैश हो गया। उसके अलावा दोस्तों हम लोग को ये जो ऑप्शन देखने को मिल रही है दोस्तों, काफ़ी इरिटेटिंग वाला ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिमोन HD केपेबल, यानी इसका मतलब दोस्तों है कि जो सिमोन है हम लोग का वोल्टी एनेबल्ड है। लेकिन दोस्तों होप करते हैं, आशा रखते हैं कि जो नेक्स्ट अपडेट आएगी दोस्तों हम लोग को ये वाली सिस्टम से यहाँ से नोटिफिकेशन सेट से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे वोल्ट लिखा आ रहा है तो क्यों हम लोग वहाँ पर उसे टॉलरेट करें। तो अगर मैं दोस्तों B612 कैमरा को ओपन करता हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अनेबल टू यूज़ कैमरा। तो दोस्तों हम लोग इस वाले अपडेट में कोई भी कैमरा हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी थर्ड पार्टी कैमरा देखने को नहीं मिल रहा है कि हम लोग इसे यूज़ कर ले, या फिर MIUI की जो पोर्ट कैमरा दोस्तों वो भी हम लोग को काम नहीं करी इस वाले अपडेट में। तो दोस्तों फाइनली हम लोग के पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि हम लोग अपने डिवाइस को अपने फ़ोन को डाउनग्रेड करें। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी फाइल को डाउनलोड कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट वर्सन यहाँ पर है 8.11.8 वाली जो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इसके बाद भी मुझे यहाँ पे वीकली देखने को मिल रही है। तो मैं चीज अपडेट बैकअप में जाता हूँ और जहाँ भी दोस्तों मैंने उस फाइल को डाउनलोड किया था मैं वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वाली फाइल को मैं डाउनलोड फ्लैश करूँगा, लेकिन दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये वाली जो है फाइल काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी दोस्तों? क्योंकि हम लोग का फ़ोन जो है एंड्रॉयड ओरियो पर अपडेट हो चुका है और ये जो अपडेट है एंड्रॉयड नूगट पर है। तो मैं जब इसे फ्लैश करूँगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फ़ोन में जो है ये फ्लैश नहीं होगा, यहाँ पर मुझे इधर आ जाएगा। तो जैसा कि आप दोस्तों भी यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिल गई, सॉरी फ्लैश ओल्डर वर्सन इज नॉट अलाउड। तो हम लोग बीटा पे तो जा नहीं सकते क्योंकि दोस्तों हम लोग के डिवाइस में जो एंड्रॉयड ओरियो की अपडेट हो चुकी है अब, तो हम लोग एंड्रॉयड को डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं अगर आपको चूज अपने जाने के बाद मैं सेम अगर मैं स्टेबल वाली रोम को अगर फ्लैश करूँ अपने फ़ोन में, आप देख सकते हो 9.6.4। तो इसे दोस्तों मैं ट्राई करता हूँ दोस्तों, इसमें देखते हैं हम लोग क्या देखने को मिलती है, क्या ये फ्लैश होता है या नहीं होता है। तो जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी हम लोग का फ्लैश नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हम लोग के फ़ोन में जो है एंड्रॉयड ओरियो की अपडेट मिल चुकी है, तो हम लोग अपने फ़ोन को डाउनग्रेड नहीं कर सकते एंड्रॉयड नूगट पर। जैसा कि मैंने अपने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था, जब हम लोग रेडमी नोट 5 की वीडियो जब मैंने बनाया था तो आपको रेडमी नोट 5 की वीडियो में भी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एंड्रॉयड को डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है? तो दोस्तों अब हम लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है अपने फ़ोन को डाउनग्रेड करने के लिए, क्योंकि दोस्तों डाउनग्रेड करेंगे तभी हम लोग फ़ोन में जो ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिली है, बग देखने को मिली है, वो सॉल्व हो पाएगी। वरना दोस्तों हम लोग के फ़ोन में ये जो सॉल्यूशन है, ये जो प्रॉब्लम है, इसकी सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम लोग अपने फ़ोन में कस्टमर रिकवरी से कोई दूसरा रोम को फ्लैश कर ले जो पुराना वर्सन है, या फिर दोस्तों हम लोग अपने फ़ोन में फास्ट रोम को फ्लैश करें। दोस्तों यही दो ऑप्शन हम लोग को डिवाइस में देखने को मिलती है, हम लोग को फ़ोन में देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप तो दोस्तों इन दोनों सिचुएशन में दोस्तों हम लोग के डिवाइस की जो है बूट लोडर को अनलॉक करना मैंडेट है। लेकिन दोस्तों अगर आपके डिवाइस के बूट लोडर अनलॉक नहीं है या फिर आप लोग अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे हम लोग अपने डिवाइस के बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली लोग बूट लोडर को अनलॉक करते हैं तो हम लोग को 720 घंटे की जो वेट टाइम देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों उसका बाईपास मेथड भी मैंने आप लोगों को बताया है, तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर सकते हैं। आप लोग चाहें दोस्तों आप लोग अपने डिवाइस के बूट लोडर अनलॉक करके अपने फ़ोन में कस्टमर रिकवरी से या फिर फास्ट बूट रोम से फ्लैश कर सकते हैं रोम को। दोनों की वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर अवेलेबल है, कस्टमर रिकवरी से कैसे फ्लैश करते हैं, फास्ट बूट रोम से कैसे फ्लैश करते हैं। दोस्तों अब हम लोगों के पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा है, अगर आप लोग को बग पसंद है, अगर आप लोग कैमरा को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक तक वेट करना होगा, तभी दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन में जो हम लोग को नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलेगी, इसका जो सॉल्यूशन देखने को मिलेगी नेक्स्ट अपडेट में 8.11.15 में। अदरवाइज दोस्तों आप लोगों को इसी बग के साथ आपको यूज़ करना होगा अगर आप लोग का बूट लोडर अनलॉक अगले वीक तक, तब तक दूसरा अपडेट हम लोग का रेडमी 5 में देखने को नहीं मिल जाए। लेकिन दोस्तों जैसा कि मेरे डिवाइस की बूट लोडर अनलॉक है तो मैं अपने फ़ोन में फास्ट बूट रोम से या फिर कस्टम रिकवरी रोम से पुराना रोम को फ्लैश कर दूंगा, तो मेरे फ़ोन में जो है जो इशू देखने को मिली दोस्तों मुझे ये सॉल्यूशन मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपका बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो उसके लिए आई एम सॉरी, आपको पहले बूट लोडर अनलॉक करना होगा या फिर आप लोगों को वेट करना होगा नेक्स्ट वीक अपडेट के लिए। तो दोस्तों यही था कुछ सॉल्यूशन जो मैं आप लोगों को दिखाया हूँ।
मुझे पता था कि कैमरा में बग है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को सॉल्यूशन देना ज़रूरी था, इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो को शेयर कर दिए, और चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।